हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे वी विल फिनिश अवर चैप्टर थ्री फाइबर टू फैब्रिक ओके तो हमने लास्ट वीडियो में ये हमने पीछे का सारा पढ़ लिया था ये यहाँ तक प्रोसेस पढ़ लिया था फाइबर इनटू वूल का और आज हम स्टडी करेंगे सिल्क को ठीक है तो हमारा टॉपिक क्या है आज का सिल्क ठीक है सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल फाइबर सिल्क फाइबर को हम एनिमल फाइबर भी कहते हैं ठीक है सिल्क वो स्पिन द सिल्क फाइबर ठीक है सिल्क वाम क्या करता है सिल्क वाइकबर को स्पिन करता है द रेयरिंग ऑफ सिल्क वाम फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क इज कॉल सैरिकल्चर ठीक है जो रेयरिंग ऑफ सिल्क वाम सिल्क वाम से हमें सिल्क ऑप्टेन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं सैरिकल्चर बोलते हैं क्या बोलते हैं सैरिकल्चर फाइंड आउट फ्रॉम फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ़ सिल्क साड़ीज़ दे हैव ठीक है आप फाइंड करें कि आपके मदर या आपकी आंटी के पास या आपकी दा ग्रैंड मदर यानि की दादी के पास आपकी कोई सिल्क साड़ी जो उनके पास है उसको आप ढूंढिए देखिए लिस्ट काइंड ऑफ सिल्क ठीक है और फिर आप एक लिस्ट बनाइए अलग अलग तरीके के सिल्क की ठीक है बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मौत ठीक है हमें ऑप्टेनिंग uh, सिल्क कैसे ऑप्टेन होता तो है इसका प्रोसेस डिस्कस करने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सिल्क uh, मोथ की हिस्ट्री क्या है ओके तो हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ पढ़ेंगे ठीक है द फीमेल सिल्क मौत ले एग एक्स फ्रॉम विच है विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटपलरीज और सिल्क वॉम ठीक है जो फीमेल सिल्क मौत होती है वो क्या एक् लेक यानी कि अंडे देती है ठीक है फ्रॉम विच जो हैच करती है उन्हें लार्वा विच जिसको हम क्या बोलते हैं कैटेपिलर्स बोलते हैं या सिल्क वॉम बोलते हैं ठीक है दे ग्रो इन साइज एंड वैन द कैटेपलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री कॉल प्यूपा ठीक है दे ग्रो इन साइज जब वो अपने साइज में ग्रो करती हैं और अपनी ने दूसरी नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने वाले एंटर करने वाले होती है तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं आ, प्यूपा बोलते हैं क्या बोलते हैं प्यूपा इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट्सल्फ ठीक है देन इट स्विंग इट हैड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर एट ठीक है एट्थ फिगर में जैसे इसमें दिखाया हुआ है यहाँ फिगर में ठीक है ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटापिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन विच हार्डन एंड एक्सपोसोर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर ठीक है यानी कि जो उनके हेड का जो मूवमेंट होता रहता है उसमें कार्टीपिलर जो होता है वो सीक्रेट करते हैं फाइबर जो कि किससे प्रोटीन से बना होता है ठीक है विच जो हार्ड होता है ठीक है और एक्सपोसोर होता है एयर में ठीक है और जिससे क्या होता है सिल्क आ, बिकम सिल्क फाइबर जिससे क्या होता है सिल्क फाइबर बनता है ठीक है सोन द कैटापिलर कंप्लीटली कवर इट सेल बाई सिल्क फाइबर एंड टर्न इन टू प्यूपा ठीक है बाद में कैटापिलर जो है कम्पलीटली कवर कर लेता है अपने आप को और ठीक है किसके द्वारा सिल्क फाइबर के द्वारा ठीक है और टर्न किस में टर्न हो जाता है प्यूपा में टर्न हो जाता है ठीक है दिस कवरिंग इज नोन एज कोकोन इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं कोकोन बोलते हैं क्या बोलते हैं कोकोन द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इन टू मौत कंटिन्यू इनसाइड द कोकोन ठीक है और जो फर्दर डेवलपमेंट होता है प्यपा का वो मोथ के, uh, के अंदर ही कंटिन्यूसली चलता रहता है ठीक है कोकोन के अंदर सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ सिल्क फाइबर किसके लिए यूज होता है वीविंग सिल्क क्लॉथ के लिए कैन यू इमेजिन दैट द सिल्क सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज ए स्ट्रोंग एज कंपेयर टू थ्रेड ऑफ स्टील ठीक है यानी कि क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि जो सॉफ्ट सॉफ्ट सिल्क यार्न होता है वो स्ट्रोंग होता है किसके कंपेरेबल में एक स्टील के थ्रेड के कंपेरेबल में ठीक है द सिल्क यार्न इज ऑप्टेन फ्रॉम द कोकॉन ऑफ सिल्क मौत ठीक है सिल्क यार्न जो है यानी कि थ्रेड वो कहाँ से ऑप्टेन होता है कॉकॉन सिल्क मौत के कॉकॉन से ठीक है देर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मौत विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यान दे यिल्ड दे इल्ड इन इज डिफरेंट इन टेक्स्चर ठीक है यानी कि बोल रहे हैं कि सिल्क मौत की जो है बहुत अलग अलग तरीके की वेराइटी होती है जो वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंटली लुक करते हैं अलग अलग दिखते हैं ठीक है uh, जैसे कोर्स स्मोथ और शाइनी दस तसार सिल्क मोगा सिल्क कोसा सिल्क एसेट्रा आर ऑप्टेन फ्राम कोकोन स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मौत ठीक है ये जितने भी ये टाइप हैं ये अलग अलग uh, ये कोकोन से ऑपटेन फ्रॉम कोकोन स्पन कोकोन स्पन से ऑप्टेन होता है ठीक है लेकिन इनका जो मौत होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है ठीक है द मोस्ट कॉमन सिल्क मौत इज द मलबरी सिल्क मोत ठीक है जो कॉमन मोस्टली जो बहुत ज्यादा कॉमन है वो क्या है हमारा मलबरी सिल्क मौत है ओके दिल्क फाइबर दिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकॉन ऑफ दिस मौत इज सॉफ्ट लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटिफुल कलर ठीक है जो सिल्क फाइबर होता है इसको कौन का ठीक है ये क्या होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है लस्ट्रस होता है इलास्टिक होता है और हम इसको डाई भी कर सकते हैं अलग अलग कलर में ठीक in है सैरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉम इज़ वेरी ओल्ड ऑक्युपेशन इन इंडिया ठीक है सैरिकल्चर और सिल्क वॉम का जो कल्चर है ये बहुत ज़्यादा ओल्ड ऑक्युपेशन है इंडिया का ठीक है इंडिया प्रोड्यूस प्लान्टी ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल स्किल अब हम एक्टिविटी थ्री पॉइंट फाइव देखते हैं कलेक्ट पीसीज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप एंड पेस्ट डैमिनियन स्क्रैप बुक ठीक है आपको क्या करना है सिल्क क्लॉथ के अलग अलग तरीके के वैरायटी के उनके पीस लेने हैं और उनको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है यू कैन फाइंड दैम इन अ टेलर शॉप ठीक है आपको टेलर शॉप में भी मिल सकते हैं अमंग द हिप ऑफ वेस्ट कट पीसीस ठीक है जो कि टेलर की, की शॉप पर कटे हुए एक्स्ट्रा पीसीज होते हैं वेस्ट ठीक है waste, आप उनको कलेक्ट करके उसको भी पेस्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? टेक हेल्प ऑफ योर मदर आप अपनी मदर की हेल्प ले सकते हैं आंट की टीचर की एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सचेज मलवरी सिल्क तसारिल्क एरी सिल्क मोगा सिल्क एट्सेट्रा ठीक है और आप इसको करने के लिए अपनी मदर या आंट या टीचर की हेल्प ले सकते हैं जिससे आप उन ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सिल्क है मलवरी सिल्क है तसार सिल्क है एरी सिल्क है या मोंगा सिल्क है ओके कंपेयर द टेक्सचर ऑफ़ दी सिल्क विद दैट ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस ठीक है और इस जो ये जो सिल्क का टेक्स्चर है इसको आप आर्टिफिशियल सिल्क पीस के संग कंपेयर कीजिए ठीक है विच कंटेन सिंथेटिक ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मौत हुज कार्टापिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क ठीक है और आप कलेक्ट करने मतलब पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए डिफरेंट डिफरेंट मोथ के जो कि क्या है उनके कार्टिपलर्स प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरीके की सिल्क प्रोवाइड करते हैं उसको भी आप क्या ट्राई uh, उसको भी कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए ठीक है एक्टिविटी सिक्स है हमारी नेक्स्ट ठीक है टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड ठीक है आप एक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लीजिए और एक प्योर सिल्क थ्रेड लीजिए ठीक है बर्न डीज थ्रेड केयरफुली दोनों दोनों ही थ्रेड को केयरफुली ध्यान से उनको जलाइए डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन दिस स्मेल वाइल बर्निंग क्या आपने उनके उनको जलाने के बाद उनकी स्मेल देखी कि उनमें स्मेल में क्या डिफरेंस है ना बर्न ऑफ वूलन फाइबर केयरफुली ठीक है अलग अलग जलाना है लेकिन दोनों को जलाना है ठीक है डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क ठीक है और फिर देखो कि जो वुलन फाइबर को हमने बर्न किया है उसकी स्मेल क्या आर्टिफिशल सिल्क की तरह है या प्योर सिल्क की तरह स्मेल कैन यू एक्सप्लेन वाई ऐसा क्यों है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं टू रिमेंबर वेन द कोकोन स्टेज इज रीच इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क सिल्क सोथ ट्राई टू फॉलोइंग एक्टिविटी ठीक है आपको ये रिमेंबर करने के लिए कि कोकोन की जो स्टेज है वो रीच इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ सिल्क मौत की लाइफ हिस्ट्री तक कैसे पहुँचे अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एक्टिविटी थ्री पॉइंट सेवन ठीक है फोटोकॉपी फिगर थ्री पॉइंट नाइन ये जो आपको ये पिक्चर है इसको आपको क्या करना है फोटोकॉपी करना है कटआउट पिक्चर ऑफ द स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ ठीक है आपको पिक्चर को कट करना है ठीक है जो उसकी अलग अलग स्टेजेज हैं उनको ठीक है सिल्क मोथ की एंड पेस्ट डैम ऑन पीस ऑफ कार्डबोर्ड और आपको एक कार्डबोर्ड के पीस पर उनको पेस्ट करना है ठीक है और फिर जंबल दैम उनको क्या कर दो जंबल कर दो आगे पीछे कर दो ना ट्रा, नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेज इन करेक्ट सिक्वेशन सीक्वेंस इन द साइक् फॉर्म ठीक है अब आप क्या करो कि उनको स्टेज को अरेंज करो करेक्ट सीक्वेंस में ठीक है और साइक्लिंग के फॉर्म में ठीक है हु एवर डज़ इट फास्टेस्ट विन और ये इसको करने से सबसे पहले किसने किया ये मतलब फास्टेस्ट किसने किया यू मे आल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड ठीक है और आप इसकी लाइफ हिस्ट्री को अपने वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक और आप इसको अपनी स्क्रैप बुक में लिखिए अब हम देखते हैं फ्रॉम कोकॉन टू सिल्क ठीक है अब हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क मोथ आर रेयर्ड एंड देयर कोकोन आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड ठीक है हमें सिल्क ऑप्टेन करने के लिए क्या मोथ को रेयर्ड एंड देयर कोकोन्स आर कलेक्टेड उनके कोकोन्स को हमें कलेक्ट करना पड़ता है टू गेट सिल्क थ्रेड सिल्क थ्रेड बनाने के लिए ठीक है तो सबसे पहला प्रोसेस है हमारा ये रेयरिंग सिल्क वॉम ठीक है क्या रेयरिंग सिल्क वॉम अब फीमेल सिल्क मोथ ले हंड्रेड ऑफ एग एट अ टाइम ठीक है एक जो फीमेल सिल्क मोत होती है वो एक टाइम में क्या हंड्रेड ऑफ एग्स को ले करती है यानी कि देती है ठीक है द एग आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लोथ ऑन पेपर एंड सोल्ड सोल्ड टू सिल्क वॉम फार्मर ठीक है और जो उसके एग है उसको केयरफुली एक क्लोथ या पेपर की स्ट्रिप पर रखिए और उसको सिल्क वम फार्मर को सोल्ड कर दीजिए द फार्मर द फार्मर कीप एग अंडर हाईजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ़ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो फार्मर होगा वो क्या करेगा एग को हाइजीनिक uh, कंडीशन में और सुटेबल कंडीशन में सुटेबल कंडीशन यानी क्या सुटेबल uh, टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी में उसको रखेगा द एग आर वार्म टू सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग ठीक है यानी कि एग जो है वो वार्म हो रहा है किसके लिए किसकी वजह से सुटेबल टेम्परेचर की वजह से ठीक है किसके लिए लार्वा हैच करने के लिए दिस इज डन वैन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव ठीक है और ये कब डन होगा जब मलबरी ट्रीज जो है वो एक फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव बियर करेंगे द लार्वा लारवा कार और सिल्क वोम ठीक है सिल्क ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इन अरमाउसली इन साइज ठीक है उसको क्या करते हैं वो ईट खाते हैं दिन और रात ठीक है और फिर उसको साइज में क्या है वो इंक्रीज हो जाता है द लार्वा आर कैप्टन क्लीन बैम्बो ट्रे अलोंग विथ फ्लैशी फ्रेशी चॉप्ड मलबरी लीव्स ठीक है जो लार्वा है जो लार्वा तो उनको क्या हम करते हैं एक क्या करते हैं उनको एक क्लीन बैम्बो ट्रे में रखते हैं ठीक है जिसके साथ हम क्या कर रखते हैं फ्रेशी चॉप्ड मलबरी लीव्स ठीक है leaves, वो भी रखते हैं आफ्टर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डेज द कैटीपिलर्स स्टॉप ईटिंग द मूव स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टिनी चैम्बर ऑफ बैम्बो इन ट्रे टू स्पिन कोकोन ठीक है पच्चीस से तीस दिनों के बाद क्या होगा कैटापिलर जो है वो उसको खाना बंद कर देगी ठीक है और मूव मूव करना बंद कर देगी टिनी चैम्बर्स में बैम्बो के अंदर ठीक है जब ने उसको बैम्बर ट्रे में रखा था ना उसमें बैम्बर ट्रे स्मॉल रैक्स और ट्विग मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कोकोन गेट अटैच ठीक है द कैटापिलर और सिल्क वोम स्पिन द कोकोन इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ ठीक है जो कैटापिलर और सिल्क वोम है स्पिन करेंगे कोकोन को अंदर अंदर ठीक है तो जिससे क्या होगा हमारा सिल्क मोथ विच डेवलप सिल्क मोथ जिससे क्या हो जाएगा सिल्क मोथ डेवलप हो जाएगा ठीक है प्रोसेसिंग सिल्क ठीक है अब हम ये पढ़ेंगे प्रोसेसिंग सिल्क अब पाइल ऑफ कोकोन इज यूज फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क फाइबर ठीक है एक पाइल कोकोन का एक पाइल को हम यूज़ करते हैं सिल्क फाइबर बनाने के लिए द कोकोन आर कैप्ड अंडर द सन और बोल्ड और एक्सपोर्ट टू स्टीम ठीक है हम क्या करते हैं कोकोन को सन uh, के अंडर रखते हैं सन की धूप में रखते हैं और उनको बॉयल करते हैं ठीक है भाप इस एक्सपोर्ज टू स्टीम द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट सिल्क फाइबर क्या हो है. Like है? और और होता है सेपरेट हो जाते हैं लग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकोन फॉर यूज सिल्क इसका रीलिंग द सिल्क ठीक है और जो प्रोसेस होता है टेकिंग आउट थ्रेड को कौन से थ्रेड को निकालना ठीक है फॉर यूजर्स एज अ सिल्क ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं रीलिंग द सिल्क ठीक है रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन रीलिंग को एक हम एक स्पेशल मशीन में कर, करते हैं विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकॉन सिल्क फाइबर आर देन स्पन इन टू सिल्क थ्रेड ठीक है फिर उसके बाद क्या होता है सिल्क फाइबर को हम स्पन करते हैं सिल्क थ्रेड में विच आर वूवन इंटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स ठीक है और जिसको फिर बाद में क्या होता है वीवर्स uh, के द्वारा उसको वूवन वो बन किया जाता है सिल्क में ठीक है तो ये हमारा प्रोसेस था फ्रॉम कोकोन टू सिल्क ओके तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है गाइज ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये डेफिनेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं तो आप आपको ये सब अच्छे से पता होनी चाहिए सारी की सारी ठीक है और अगर आपको इनमें से कोई किसी भी डेफिनेशन uh, में कीवर्ड में डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है आप कमेंट में कर दी कमेंट में लिख सकते हैं मैं उसका आंसर आपको कमेंट में बता दूंगी या उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी ठीक है सो uh, गाइज so आपको मेरी वीडियो कैसी लगी uh, आप मेरे को कमेंट करें इसके लिए एंड uh, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली क्लासमेट्स के संग शेयर करें थैंक यू